अगर लोग तेजस्वी के अगेंस्ट हो रहे हैं बिकॉज शी इज टेकिंग अ स्टैंड ऑन समथिंग दैट शी बिलीव्स, कॉन्शियस अनकॉन्शियसली बेचारा फंस गया होगा बिकॉज आई थिंक एज एन ऑडियंस वी लाइक टू सी सम क्रिस्पी मसाला। रिसेंटली अगर आपने ग्लिम्स देखी होगी तो देवोलीना की फाइट हो गई थी जो कि रश्मि से भी हुई और अभिजीत से भी हुई जी। तो तेजस्वी को ड्रैग करने की कोशिश की जा रही थी जिस तरह से कि क्यों बोल रही है वो, क्या बोल रही है वो, किस तरह से बोल रही है, उसको लेके बहुत सारे मुद्दे उठ रहे थे। एज तेजस्वी वाज टेकिंग देवोलीना साइड, आपको क्या लगता है? आई थिंक अगर लोग तेजस्वी के अगेंस्ट हो रहे हैं बिकॉज शी इज़ टेकिंग अ स्टैंड ऑन समथिंग दैट शी बिलीव्स इन, बी दैट वो उसका मुद्दा नहीं किसी और का क्यों ना हो, बट आई थिंक दैट हाउस इज़ ऑल अबाउट दैट कि इवन इफ इट्स नॉट योर मुद्दा, यू नीड टू पुट योर थॉट्स आउट एंड यू नीड टू चूज़ वॉट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट टेक अ स्टैंड ऑन दैट एंड हैव अ से ऑन दैट। सो इफ शी इज़ डूइंग दैट आई डोंट थिंक कि वो अननेसेसरीली कुछ कर रही है बिकॉज दैट्स हाउ यू बी एक्टिव एंड दैट्स हाउ यू यू नो शो योर वॉइस एंड योर थॉट्स ओवर समथिंग। सो आई डोंट नो व्हाई हाउसमेट्स आर सेइंग दैट। ओके, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से करण जो है घर में और तेजस्वी हैं, आपको लगता है कि कभी करण उनको जानबूझ के नहीं उनके स्टैंड में पड़ते, या आपको कभी ऐसा लगा कि वो जानबूझ मतलब उनके तरफ से नहीं बोलते हैं? क्योंकि वीकेंड पे भी इसको लेकर बात हुई थी और स्पेशली उन लोगों को बोला गया था कि आई थिंक एज फार एज करण इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक ही इज़ देयर फॉर हर एंड देर इज़ अ वेरी प्योर एंड जेन्युइन बॉन्ड दैट आई सी बिटवीन द टू ऑफ देम। आई थिंक वो शायद कॉन्शियस अनकॉन्शियसली बेचारा फंस गया होगा बिकॉज लेटली हर वीकेंड का वार पे या जो भी लोग आते हैं वो उनको यही बोलते हैं कि आप इंडिविजुअली कहीं दिखाई नहीं देते दोनों, तो शायद यू नो वो बैक ऑफ द माइंड में फिर वो चलते रहता है कि शुड आई नॉट। सो सी आई हैव नॉट सीन द एपिसोड्स लेटली, सो आई डू नॉट नो कि एग्जैक्टली व्हाट करण इज़ डूइंग और नॉट डूइंग, बट आई थिंक ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर तेजस्वी एंड वो शायद दोनों ही शायद वो होते होंगे कि यार सब लोग बोलते हैं हमारा कोई इंडिविजुअल यू नो से नहीं है, गेम नहीं है, तो शायद वो इंडिविजुअल स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट, बट आई थिंक एज फार एज दे आर कंसर्न देयर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न, आई थिंक करण इज़ ऑलवेज देयर फॉर हर एंड दैट्स हाउ ही इज़। आपसे जानना चाहूँगी, रश्मि और देवलीना फ्रेंड्स के तौर पर घर में गए थे लेकिन ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कि अब वो फ्रेंड्स से जो उनकी फ्रेंडशिप है वो रह नहीं गई है, तो क्या लग रहा है कि ये गेम हो सकता है या घर के बाहर भी उनका एक अलग बॉन्ड, क्योंकि हमने हमेशा देखा है अब घर में उनकी एकदम अलग सी तूतू मैं हो रही है, तो कैसा लग रहा है एज अ व्यूअर आपको भी देखकर? चलो ठीक है, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई थिंक एज एन ऑडियंस वी लाइक टू सी सम क्रिस्पी मसाला। आई थिंक आई डोंट पर्सनली सेइंग आई एम अ पीस मेकर, सो दैट इज़ वाई आई वॉज आउट ऑफ द हाउस प्रिटी सून बिकॉज अकॉर्डिंग टू द हाउस मेट्स एंड द अदर कंटेस्टेंट्स आई वॉज नॉट मे बी लाउड इनफ, या आई वॉज नॉट लाउड इनफ कि मैं दूसरों के मुद्दे में घुसती थी, या कुछ मुद्दे मेरे भी ऐसे थे जो फर्स्ट वीक में हो गए थे जो बहुत ही सेंसिटिव थे, बट मैंने इतना लाउडली उसको प्रेजेंट नहीं किया या उस पर रिएक्ट नहीं किया बिकॉज दैट्स नॉट हाउ आई लाइक टू यू नो बी इन रियल लाइफ ऑल्सो, आई लाइक टू जस्ट यू नो जस्ट शांत करो यू नो आई एम लिटिल मोर लाइक दैट। सो आई थिंक जहाँ तक रश्मि एंड देबोलीना आर कंसर्न्ड, आई डोंट कम अक्रॉस एज अ वेरी बैड पर्सन, बट माई फोकस इज़ ऑन सम अदर पीपल एंड ऑन अदर पीपल्स गेम, सो काइंड ऑफ they are you know rift and tiff doesn't really matter to me that much. I mean I like them individually, they're doing great, they did get a lot of masala.